सुमन जी सबसे पहले कांग्रेचुलेशन. थैंक यू मुझे यहीं पे ही देखिए बोलना है. ओके 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 कांग्रेचुलेशन मिस इंडिया के लिए. तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसी रही आपकी ये मिस इंडिया की जर्नी. तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है क्योंकि मैं एक नॉन पेजेंट्री बैकग्राउंड से हूँ तो काफ़ी नया था मेरे लिए सब कुछ. क्या करना है कैसे करना है हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा था. हालांकि मैंने पिछले साल ही शुरू कर लिया था अपनी ट्रेनिंग इसके लिए तो पूरा साल उसी में चला गया कि किस तरीके से मिस इंडिया में जाना है और किस तरीके से वहाँ पर जाके परफॉर्म करना है. तो जर्नी काफ़ी अच्छी रही है मेरी. पिछले साल मतलब लोग हैं कि बहुत सारे लोगों को जब हम इंटरव्यू करते हैं वो कहते हैं कि हम बचपन से ऐसे ट्रेनिंग करते आ रहे हैं तब आज हमारा ये सपना जाके पूरा. तो मतलब हमेशा माना कि आपने सिर्फ एक साल ही मिस इंडिया के लिए ट्रेनिंग की, दैट्स इट. हाँ तो बचपन का कोई सपना नहीं था मेरा क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस बारे में. मुझे पता था कि मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स है बट वो होता क्या है कैसे होता है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. तो जब मानुषी चिल्लर क्राउन जीते थे तब मैंने इसके बारे में रिसर्च की कि ये होता क्या है. तो मुझे पता चला इन्हें पैजेंट्स बोलते हैं और इनमें किस तरीके से इनरोल करना है कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है किस तरीके से खुद के ऊपर काम करना होता है. तो इसके बारे में जब मैं रिसर्च कर रही थी तब जाके मुझे लगा कि शायद मैं भी यहाँ पे एक ट्राई दे सकती हूँ. मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो गया और इसी तरीके से मैंने अपना पैशन डेवलप किया वहाँ पे और फिर मैं मिस इंडिया के लिए एक साल की ट्रेनिंग लेके फिर आई. और आप मिस इंडिया ओके सुमन जी जब से आपकी ये ट्रेनिंग लाइक मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में आप आई और जब से ये पार्टिसिपेंट चल रहा था आप तो आप जीत चुकी हैं मिस इंडिया. ट्रेनिंग के दौरान कॉन्टेस्ट के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा मुझे बीच में क्विट कर देना चाहिए या फिर आप बीच में कभी नर्वस लगी या फिर ऐसे कोई. हाँ क्विट करने का ख्याल तो नहीं आया पर काफ़ी ऐसे टाइम भी थे जब ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं हो रहा है या कुछ नहीं होगा शायद या कुछ तो गलत हो रहा है. ये मेरे को लगता है कि हम सारी 30 लड़कियों के दिमाग में एक ना एक बार तो आया ही होगा क्योंकि होता है हमेशा सारे हर दिन एक जैसा नहीं होता. कभी ना कभी हम लो फील करते हैं कभी एक तो हम फैमिली से भी दूर है और एक महीने से हम उनसे भी दूर है तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें नहीं होती क्योंकि ज़रूरी नहीं सबसे सब कुछ होगा. तो उस टाइम पे बहुत ही ऑब्वियस है कि थोड़ा बहुत लो फील होता है कि क्यों नहीं हो रहा है इतना कोशिश करने के बावजूद. पर जैसे जैसे खुद को संभालना था क्योंकि आगे भी दिन आने थे और आज नहीं हुआ तो क्या हुआ कल होगा यही सोच के मैं आगे बढ़ती रही. अब आप क्योंकि मिस इंडिया विनर हो चुकी हैं तो अब आपसे कंटिन्यू आपसे ढेर सारे सवाल पूछे जाएंगे. एंड जब आप कॉन्टेस्ट में थी तब आपको किस तरह के सवाल पूछे गए एंड वहाँ पर किस तरह के उन सवालों को कैसे आपने फेस किया अगर आपको एक दो सवाल अगर बता सके. तो कॉन्टेस्ट के टाइम पे तो हम हमारे शूट्स ट्रेनिंग इन सब में ही बिजी थे. सवाल से आपका मतलब हमारा इंटरव्यू कोई या अच्छा फिनाले के दिन. ओके तो फिनाले के दिन तो सबसे अलग अलग तरीके मेरा भी एक सवाल था जिसमें मुझसे पूछा था कि जब 25 साल हो गए थे ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन इनको जीते हुए तो मुझसे पूछा गया था कि आप किसकी बायोपिक में काम करेंगे और क्यों. तो तब मैंने कहा था कि मैं ऐश्वर्या राय उनके बायोपिक में काम करूंगी क्योंकि उनकी जर्नी मुझे पता है जिस तरीके से उन्होंने फेलियर्स देखे और फिर भी उनसे बिना डरे हुए जैसे वो आगे जाती रही जिस तरीके से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ मेंटेन करती. एक प्रॉपर ब्लेंड है कि मॉडर्निटी और अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ किस तरीके से साथ में लेकर चलना है तो वो मैंने उनसे सीखा है. तो अगर मुझे मौका मिलता है इन दोनों में से किसी एक के बायोपिक में काम करने का तो मैं उनके बायोपिक में काम करूँगी. एंड क्योंकि लास्ट मिस वर्ल्ड जो थी वो मानुषी चिल्लर जी हैं तो उस दिन फिनाले के दिन वो वहाँ पे प्रेजेंट थी. तो फिनाले से पहले आपने उनके उनसे कुछ मुलाकात की उन्होंने आपसे आपको कुछ टिप्स दिया क्योंकि वो मिस वर्ल्ड थी. हाँ तो हम 30 कंटेस्टेंट्स हमें उनसे मिलने का मौका मिला था बीच में लकीली. तो हम उनसे जब मिले थे तब उन्होंने कहा था कि तुम जैसे हो वैसे ही रहो और उसमें जितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो करो. अगर अपने आप को बदलोगे तो नहीं होगा उतना बट लेकिन तुम अगर खुद से जैसे हो वैसे ही रहोगे और अपना जो ट्रू योर सेल्फ है जो सब लोगों के सामने लेके आओगे जो तुम हो असलियत में तो तुम आराम से जीत पाओगे. तो वो एक थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी वो बात. और मिस वर्ल्ड जो रेनिंग करंट मिस वर्ल्ड है वैनेसा वो वहाँ पे थे साथ में 2017 की मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर दोनों ही वहाँ पे थे. तो काफ़ी ही अच्छा मोमेंट था क्योंकि दोनों मिस वर्ल्ड्स के साथ मुझे उनके सामने मुझे क्राउन किया गया तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था. क्योंकि अब आप मिस
इंडिया जीत चुकी हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया कि? फैमिली मुझे याद है, मुझे जब क्राउन किया था, जब मेरा नाम अनाउंस किया था, तब वो ऑडियंस में बैठे हुए थे साइड में, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। मेरे मम्मी पापा दोनों उछल उछल के नाचने लग गए थे, तो वो मुझे दिख रहा था कि हाँ वहाँ पे मेरी फैमिली है। पूरी भीड़ में पता चल रहा था कि उनकी बेटी जीती है, इतना खुश थे वो लोग वहाँ पे। तो काफ़ी खुश है अभी फ़िलहाल, वो मेरा वेट कर रहे हैं कि कब मैं घर पे आऊँ और उनसे मिलूँ, क्योंकि अभी तक हम उनसे मिले नहीं हैं। तो बस मैं भी एक्साइटेड हूँ कि कब जाके मैं उनसे फटाफट से मिलूँ और एक अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड करूँ। यू नो सुमन जी, क्योंकि आप विनर हैं एंड ऐसे सडनली आप लोगों के सामने आई हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। जैसे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये हम बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता कहीं ना कहीं विनर के बाद जो है लोग अब एक्टिंग की तरफ अपनाते हैं, तो इसके बाद क्या करने वाले हैं सुमन जी? क्या एक्टिंग में इंटरेस्ट है या क्या कुछ करने वाले हैं? फ़िलहाल तो मेरी पढ़ाई चालू है, मैं सिर्फ 20 साल की हूँ, तो मुझे लगता है पहले मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, उसके बाद में तो जैसे ऑप्शंस आते हैं वैसे। और बॉलीवुड में तो मोस्ट ऑफ़ द लड़कियों का इंटरेस्ट होता ही है, बट देन वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सिचुएशन पे आ रहा है और उस टाइम पे हम उस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं, तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो मिस वर्ल्ड और पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो कौन से स्टैंडर्ड में आप अभी? मैं अभी CA की पढ़ाई कर रही हूँ, CA फाइनल स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ ओके, तो जाते जाते टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है जिससे आप इंस्पायर्ड हैं, जिसकी फिल्में आप बहुत देखती हैं, मेल फीमेल बोथ? हाँ, तो फीमेल में मैं दीपिका पादुकोण की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेल में चाइल्डहुड क्रश है शाहिद कपूर, तो उनकी मैं फ़ैन हूँ। तो ये दोनों मेरे फेवरेट है बॉलीवुड में। हाँ, फेवरेट पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन फॉर श्योर नरेंद्र मोदी। तो वो हाँ, क्योंकि मैंने जैसे अभी मैं पिछले जो 5 साल उन्होंने जब देश को चलाया, तो उस टाइम पे मैंने जो इम्प्रूवमेंट्स देखी, जैसे मेरे पापा ने मुझे बताया, क्योंकि उसके पहले तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं है, तब तो हम छोटे थे, स्कूल में थे, तो इतना मेरा ध्यान जाता नहीं था। बट जब इनके डेवलपमेंट्स, तो पापा जब बताते थे कि पहले क्या था और अब क्या चेंज आया है, तो जब मैं वो चेंज देखती हूँ हमारी कंट्री का, तो मुझे लगता है कि हाँ उनमें वो बात है, जो वो फायर है जो कंट्री को सुधारना चाहते हैं, वो किस तरीके से हमारी जो कंट्री है उसको डेवलप करना है उन्हें, तो वो एक ऐसे इंसान है जो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं जो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, जिस जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर वो हमेशा खड़े उतरते हैं। तो मेरा सुमन जी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई अगर एक प्रॉब्लम हो तो बातें करें, प्रॉब्लम बहुत सारी। अगर सुमन जी को मौका अगर मिले इंडिया के लिए कुछ करने का, तो वो ऐसा क्या कुछ होगा जो सुमन जी इंडिया में बदलाव करना चाहेंगे? इंडिया, मेरा जो ब्यूटी विद अ पर्पस प्रोजेक्ट है वो है स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी। तो क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं है कि सबको इक्वल स्टेटस मिलता है, तो मेरा प्रोजेक्ट वही है कि स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी, जो अभी फ़िलहाल वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेज पर है, जहाँ पे हम लोग फ़िलहाल वुमेन को एक इक्वल स्टेटस पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने वो प्रोजेक्ट अपने गांव से ही शुरुआत की उसके बारे में बात करना, क्योंकि मेरे घर में मैंने कभी कोई इनइक्वालिटी नहीं देखी, मेरे भाई और मुझे एक जैसा ट्रीटमेंट मिला है मेरे पेरेंट्स की तरफ से। तो वही हम लोग आगे जाके लोगों से बात करके उन्हें बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक कुछ बदलने नहीं वाला। तो एक नज़रिया बनाना है कि सब इंसान है, किसी को लड़का या लड़की की तरफ से मत देखो, सब इंसान है वो देखो। आखिरी सवाल ये कि फेवरेट क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेट देखती हो तो? नहीं मैं क्रिकेट फैन नहीं हूँ, नहीं मैं यहाँ पे बिजी, मैं अपने इसमें अभी हमारी विनिंग हुई उसके बाद में हम सारे इंटरेक्शन में बिजी, और क्रिकेट फैन नहीं हूँ। कभी इधर उधर थोड़ा सा, भाई मेरे क्रिकेट बहुत देखते हैं तो उनके साथ थोड़ा वो देख लेती हूँ, पर नहीं क्रिकेट फैन। प्लेयर के नाम तो पता है बट क्रिकेट फैन नहीं हूँ, क्रिकेट में तो बहुत ही बुरी हूँ, उसके बारे में तो कुछ नहीं। ओके, चलिए जाते आते, क्योंकि अब आप मिस वर्ल्ड के लिए जाने वाले, तो क्या कुछ अब कैसे प्रिपेयर आप अपने आप को करने वाली हैं एंड कैसे देखती हैं, क्योंकि वो जो प्लेटफॉर्म है इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हाँ है आपके लिए, और कुछ एक चुनौती आने वाली है, तो आप बताइए कि उसके लिए कितनी रेडी हैं सुमन जी? हाँ, तो फिलहाल अब मिस वर्ल्ड में अब इंडिया को रिप्रेजेंट करना तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरा पहला फोकस यही रहेगा कि मैं इंडिया को एकदम अच्छे से जान लूँ, जो करंट अफेयर्स है या फिर जो भी अभी हमारे देश में चल रहा है, जिन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करना है तो इंडिया को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरा उसी चीज़ पे फोकस होगा। और रही हमारी ट्रेनिंग की बात, तो वो 3-4 दिनों में शुरू होने वाली है,
तो जैसे ही वो शुरू होगी मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी कि मैं क्या ट्रेनिंग कर रही हूँ और किस चीज़ पे कर रही हूँ. थैंक यू सो मच एंड गुड लक. थैंक यू.